अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। लास्ट टाइम हम लोगों ने बोनलेस चिकन टेंडर बनाए थे, तो इस दफा हम बना रहे हैं चिकन जिसमें वो बोनलेस नहीं है, चिकन हमारे पास कटा हुआ है और ये 12 पीस का चिकन है। हम आज इसको करेंगे फ्राई जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, हमने टेंडर बॉल्स बनाए थे बोनलेस चिकन के। आज हम चिकन बोन समेत हम वो जो है बनाएंगे। और एक और इजाफी चीज आज हम लाए हैं अपने साथ, व्हाइट पेपर। लास्ट टाइम हमने ब्लैक पेपर में मैरिनेट किया था, इस दफा हम व्हाइट पेपर में करेंगे और हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या टेस्ट और कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको धो लेते हैं। ठीक है जी, हमने अब चिकन के पीसेस को धो लिए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं बड़े बड़े पीस हैं, लास्ट वीडियो में छोटे छोटे पीस थे, तो इस दफा हम बड़े बड़े पीसेस डाल रहे हैं। कट्स हम इसके ऊपर लगा लेंगे सबसे पहले, कट्स हम अंदर तक, ताकि ना इसके अंदर मैरिनेशन अच्छे तरीके से हो जाए। हम इसको अभी कट लगा के जो है इधर इस जगह पर रख रहे हैं। अब हम इसके अंदर जो हमने चिकन धोया है वो डालेंगे, और आपने भी इनको कट लगाने हैं ताकि जो है आपका मैरिनेशन वाला मटेरियल इसके अंदर जज्ब हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसके अंदर डालेंगे, अब हम इसके अंदर डालेंगे सिरका। सिरका आपने इतना डालना है कि आपका ना ये चिकन कवर हो जाए। बस, अभी फिलहाल। फिर उसके बाद आपने नमक डालना है, अगर उठ लें बस अभी काफी है। और आपने डालना है वाइट पेपर, जो कि सबसे अहम सीजनिंग है इसमें। थोड़ा सा चिकन काफी सारा वाइट पेपर डाल दिया, और लहसुन अदरक का पेस्ट हमने डाला। तो मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ हाथ से, हाथ मेरे धो रहे हैं। ठीक है, वैसे भी मैरिनेशन हाथों से ज्यादा अच्छी होती है। अब हम इसको दोनों हाथ यूज करो, दोनों हाथों से अच्छे से मैरिनेट कर देंगे। पहले मलो इसको, मलो अच्छी तरह से। नीचे सिरका बहुत सारा पड़ा हुआ, नीचे बाउल में देखो, इसको ऊपर तले करो दोनों हाथों से गोश्त को ऐसे। आप सिरका ऐसे डालें कि जी ये जो है ना इसके साथ लग जाए सारा सिरका। आपको बहुत ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है, जाया करने की जरूरत नहीं है। और जरा 5 मिनट तक इसको ऐसे आप इसको मले, ताकि जो है सिरका मसाला व्हाइट पेपर ब्लैक पेपर जो है सारी इसके अंदर जज्ब हो जाए। तब आपने इसको मल लिया, मिक्स कर लिया। अब आप इसको रख देंगे 45 मिनट तक। ठीक है, घंटा कर लें, घंटा तक। अब जो है हमें घंटा इसको मैरिनेट करना है। ठीक है, घंटे तक हमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन घंटा मैं क्या करूँगा, ज़ाहिर है कटिंग करवानी है। अब आपने आप कटिंग करवाएंगे और इंसान वाली शक्ल में आएंगे। मैं ठीक तो हूँ अम्मी यार, नहीं नहीं, सही है। नहीं नहीं, मुझे ऐसा जाना नहीं चाहिए। चलो ठीक है, मैं जाता हूँ कटिंग करा के आता हूँ। ठीक है, तब तक ये जो है मैरिनेट हो जाएगा, इसके जूसेस जो है इसके अंदर फिल हो जाएंगे, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। रख दिए, ठीक है, 1 घंटे तक इसको मैरिनेट करेंगे, मैं तब तक कटिंग करा के आता हूँ, तो फिर इसको हम फिर देखें। 1 hour later। ठीक है नाजरीन, 1 घंटा हो गया और हम वापस आ गए। आप लोग मेरे हुलिया भी देख सकते हैं, मुझे तो ये कटिंग बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही। नहीं ठीक लग रही है, अच्छी लग रही है, कम अज कम आप बेहतर हुलिया में अब आ गए। मुझे वो लंबे वाले बाल ही पसंद थे। नहीं फिर आप बैक कॉमिंग नहीं करते ना, बालों को संवारना पड़ता है। अच्छा जी, तो अब मैरिनेट हो गया है चिकन 1 घंटे का। ठीक है, और अब जो है हमने क्या करना है वही वाला तरीका, इसको हम कॉर्नफ्लावर में डालेंगे, ऑयल डालेंगे, और पहले इसको मीडियम हीट के ऊपर हमने इसको पकाना है अच्छी तरीके से, और उसके बाद हमने आग तेज करनी है ताकि जो उसकी आउटर साइड है वो क्रिस्प हो सके। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। पहले ऑयल डालें, बहुत तेज ना करो उसको, उसको कम करूंगा मैं जब मैं डालूंगा ना। अच्छा जी, ये हमने कॉर्न स्टार्च डाल दिया, इसको अब यूं करके। ठीक है जी, अब ठीक
हमने ये दो पीस इसके अंदर डाल दिए हैं और अब हम इसको, बेहतर ये होगा तरीका कि आप इसके ऊपर ढकना रख दें, बेहतर ताकि ये अच्छी तरह गल जाए और हमें कच्चापन, क्योंकि हाँ अम्मी सही कह रही है, ताकि वो गल जाए, क्योंकि चिकन के अंदर पानी होता है ना, पानी होता है ना हर गोश्त में, हर गोश्त के अंदर पानी होता है, ठीक है। तो जब वो आप लिड रखते हैं ना, वो पानी वेपरेट नहीं होता, तो वो हेल्प करते हैं उसको पकाने में। तो हमने इसके ऊपर ढक्कन रख दिया, फिर कुछ देर के बाद हम उसको फ्लिप करेंगे और फिर हम बाकी पीसेस डालेंगे, ठीक है जी। अब हम इसको जो है प्लेट पे निकाल लेंगे। ये जैसे कि काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का बन गया है, कलर बहुत कलर बहुत प्यारा आया है। इसका पीस भी निकाल लेते हैं और लास्ट वीडियो के अंदर जो है हमने इसका क्रिस्प टेस्ट सही तरीके से नहीं किया था, इस वीडियो में हम इसका क्रिस्प टेस्ट करेंगे। अरे गरम गरम गरम, ये आप देख रहे हैं, ये वाली आवाज आनी चाहिए, ये इससे पता चलता है कि चिकन क्रिस्पी। अभी ये गरम है, मैं इसको थोड़ी देर तक ट्राई करूंगा, तब तक हम एक और पीस इसके अंदर डालते हैं, ठीक है जी। चलें अब हम लेग पीस डालेंगे, पहले हम थोड़ा सा कॉर्न फ्लोर डाल लेंगे। से हम इसके अंदर ना डाल के, क्योंकि चिकन पीस है, ऑब्वियसली चिकन पीस जो होता है वो बस चिकन का लेग पीस यानी कि ड्रम स्टिक, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसको हम तब तक ट्राई करते हैं, एक और भी डाल सकते हो अभी। हाँ, इसको इसके अंदर एक और भी डाला जाए, एक और लेग पीस डालो। और तब तक हमारा ये जो चिकन है ये बन चुका है, तो हम इसको ट्राई करेंगे। क्या बात, गरम 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 गरम, हमारी कैमरा मैन अम्मी काफी देर से मोबाइल पकड़ के खड़ी है, ये ले मैं ट्राई करें, मैं खुद खाऊंगी, ये ले ना। गरम गरम, हाँ कैसा है, आहा मजा आ गया भाई। तो ये कितना जूसी है, आप देख सकते हैं ये कितना जूसी है, फुल ऑफ जूसेस है इसके अंदर, जो जूस है ना वो ड्रिप कर रहा है। आहा, टेन आउट ऑफ टेन, मजा आ गया, ठीक है जी। अब हम अपने फ्राइड चिकन को प्लेट में सर्व करने लगे हैं, बहुत ही उम्दा किस्म का ब्राउन कलर ये आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए, ये ऐसे, ठीक है जी। इसके साथ हम डालेंगे केचप, ठीक हो गया जी, बस ये बहुत जबरदस्त किस्म का, ये देखिए,